तो गाइज ये मेरी फेवरेट वड़ाई है और आज की लास्ट ये मैं वड़ाई खा रहा हूँ। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ, ये रही हमारी ट्रेन। चैनल तो अभी मैं हूँ धौलपुर में। आज दिन है 5 अगस्त 2022 और आज अभी टाइम हो रहा है 3:00 ऑलमोस्ट 3 बजने वाली है और मैं हो गया हूँ रेडी और इधर पड़ा है मेरा बैग और अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। तो वो वैसा आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और बहुत खुश भी हूँ और गर्मी बहुत खतरनाक वाली, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पसीना पसीना हो गया। तो चलो अब चलते हैं और आपको आगे पता चल ही जाएगा वो तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, जिस लोकेशन पर अभी अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, फिर चलते सीधा। चलो फिर देखते रहिए आगे मेरा वीडियो और एंजॉय कीजिए। गाइस मैं बैग लेके जाता हूं तो कॉलेज जाता हूं, पर आज मैं कहीं डिफरेंट जगह जा रहा हूं और वो मैं आपको चल के बताता हूं। वैसे आप समझ गए होंगे बैग लेके जा रहा हूं, इतना फुल भरा हुआ बैग तो आप उससे समझ ही सकते आप मैं कहां जा रहा हूँगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आगे वीडियो देखते रहिए, समझ जाओगे। और रोज़ मेरे को कहीं जाना नहीं होता, तो बिल्कुल धूप नहीं पड़ती है, बारिश का मौसम रहता है और ठंडा सा। आज मेरे को कहीं जाना है, इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, सांस भी नहीं ली जा रही, इतनी गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। सच में गाइस बोला ही नहीं जा रहा मेरे से, इतनी ज़्यादा मतलब हाथ दुखने लग गया है ऐसे, एक तो बैग का बाहर नहीं ऊपर से। तो गाइस आज फाइनली मैं ऐसे रोडों को बाय बोल रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, खाली कुछ दिनों के लिए ऐसे रोड को मैं बाय बोल रहा हूँ। तो गाइस ये मेरी फेवरेट वड़ाई है और आज की लास्ट ये मैं वड़ाई खा रहा हूँ, ये अब 10 दिन बाद खाऊंगा। और ये एक मेरा भाई आ गया, ये भी ठूसने लग गया वड़ाई। तो गाइस अभी मैं ये आ चुका हूँ रोड पे और ये ऊपर से जो हाईवे जा रहा है ओवर ब्रिज का, वो आगरा से ग्वालियर का रोड है ये। और मैं यहाँ से अभी रिक्शा लूँगा और रिक्शा लेकर फिर जाऊँगा रेलवे स्टेशन। चलो देखते हैं रिक्शा कहाँ से मिले, बाकी ये ट्रैक्टर वाले बहुत घूम रहे हैं। तो चलो गाइस, तो गाइस अभी मैं बैठ चुका हूँ यार रिक्शा में और यहाँ से मैं चलूँगा रेलवे स्टेशन। ये इस प्रकार के हमारा कुछ रिक्शा और यहाँ से मैं बैठा हूँ। तो अभी यहाँ धौलपुर के ये बढ़िया है, रिक्शा वाला का कहीं पे भी जाना हो 10 रुपये लेते हैं। कभी गाइस धौलपुर आओ तो ये ध्यान रखना कि ज़्यादा नहीं ले लें आप, 10 का ही रूल्स है, मतलब रूल्स का इतना ही लेते हैं 10 ही। चलो चलते रेलवे स्टेशन। धौलपुर जंक्शन जेरा और यहाँ आ गया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ के टिकट लेता हूँ, मैंने पहले से रिजर्वेशन नहीं कराया था, मैं तत्काल वाली टिकट ले रहा हूँ। सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता है, वो तो नहीं मिलनी है कन्फर्म है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ट्रेनों में। और यहाँ पर यह सजा भी रखा, क्या पता रात में मस्त दिखता होगा। तो चलो गाइस सबसे पहले टिकट लेते हैं फिर मिलता हूँ। तो गाइस अभी यहाँ से मैंने टिकट ले ली है और मेरी ट्रेन है 6:30 बजे, जब तक का मैं वेट करता हूँ। बाकी मेरी ट्रेन यहीं आके लगेगी, खजुरा एक्सप्रेस नाम है इसका, इसमें तो नहीं दिख रहा है अभी, शो नहीं हो रहा है, पर वहाँ से मैंने टिकट ले ली तत्काल में, जस्ट टिकट मिल जाती है, वो कोरोना के टाइम में नहीं मिल पाती थी। और ये मैं तो गाइस यहाँ से मैं अभी छोले भटूरे खाऊँगा, 30 रुपये की एक प्लेट है, देखते कैसा टेस्ट है। गाइस अपने ये छोले भटूरे आते हैं, मैं ये खाता हूँ फटाफट और फिर मिलता हूँ और बताता हूँ कैसा टेस्ट है। अभी छोले भटूरे खा लिए मैंने और वापस जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे और अब देखता हूँ मेरी ट्रेन कितने बजे तक आएगी। वैसे 4:30 की है, 4:30 फिक्स आ ही जाएगी, ट्रेन का फिक्स टाइम रहता है और पसीने हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ के रेलवे स्टेशन और ये रहा अपना धौलपुर का रेलवे स्टेशन पूरा ये यहाँ। आपको बता दूं कि यहाँ से मैं चित्तौड़गढ़ जा रहा हूँ और चित्तौड़गढ़ की टिकट है 190 रुपये, ज़्यादा महंगी नहीं है, मैंने जनरल में ली है क्योंकि मिलती नहीं है तत्काल वाली, तो 190 रुपये यहाँ से टिकट है चित्तौड़गढ़ के लिए। तो यहाँ से जाओ तो चित्तौड़ की 100
90 और उदयपुर जाओ 235 समथिंग है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ हमारी ट्रेन में, ये रही हमारी ट्रेन और अभी मैं यहाँ से जाऊँगा चित्तौड़गढ़, अभी निकल जाएगी 2 मिनट में यहाँ से ट्रेन, फिर चलते सीधा चित्तौड़गढ़। जब भी हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ खेड़ली जंक्शन पे, ये पिक्चर है हमारे खेड़ली जंक्शन, और यहाँ से अभी ट्रेन निकल पड़ी है। व्लॉगिंग की वजह से काफ़ी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, यहाँ से लोग चढ़ रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलो गाइस खेड़ली से अब देखते हैं आगे कहाँ तक का कैसे सफ़र रहता है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ बांदीकुई जंक्शन, ये अपना बांदीकुई जंक्शन रह गया, और इससे आगे अब क्या आएगा पता नहीं। मेरे को थोड़ी भूख लगी थी तो मैंने यहाँ से पूरी सब्जी खाई और अभी चाय पीता हूँ, चाय कहाँ मिले देखता हूँ। देखिए तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे ये चाय ले ली है, ये पी रहा हूँ मैं अपनी चाय, और चाय फिनिश करता हूँ, और टेस्ट तो बिल्कुल पानी सा ही है, इसीलिए मैंने पीने का मूड नहीं था, ऐसे पी लिया। रास्ते में कुछ भी ध्यान ही नहीं है कि मैं कहाँ से आया, कैसे आया, कुछ भी नहीं, मतलब कहाँ से तो क्या आया, परमानेंट वही रूट है, पर मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं, क्योंकि मैं इतने खतरनाक वाला सोया था, इतने मस्त वाली नींद आई, अभी अगर 2 मिनट और नहीं उठता तो ये तो मैं उदयपुर पहुँच जाने वाला था, और ये खड़ी है मेरी ट्रेन, और उधर से वो डब्बा नया जुड़ता है, मतलब यहाँ आके चेंज होता है, पहले उधर से चलता है डब्बा, तो फिर पीछे आके जुड़ता है, ऐसा कुछ है, मेरे को इतना पता नहीं, और तो क्या बोलो बस यही। और मैं यहाँ से घर तक की जर्नी का एक दूसरा वीडियो बनाऊँ यूँ सोच रहा हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।